और ऐसे में बिग फाइट लाइन में आज हमारा सवाल आपसे है कि क्या ऊर्जा घाटे पर उपभोक्ता से वसूली जायज है। firstindianews.com के जरिए इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। इस चर्चा में शामिल मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। बीजेपी से मुकेश दाजी साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस से गिरिराज गर्ग जी हमारे साथ हैं, पूर्व एसी डीपी चिरानिया जी हमारे साथ हैं, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता पीएन मेंदोला साहब बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश जी, एक सवाल आपसे है कि कल ऊर्जा मंत्री ने इस बारे में बयान दिया था कि 10% तक बिजली महंगी हो सकती है और घाटे का हवाला दिया गया। क्या सरकार मानती है कि इस घाटे की भरपाई का बेहतर रास्ता जनता की जेब हो सकती है? देखिए अश्विनी जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में निश्चित रूप से सरकार ये सारे फैसले तब करती है जब बहुत सारी चीज़ें सर के ऊपर से गुजर जाती है। माननीय मंत्री जी ने कहा है, इसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जनसुनवाई के माध्यम से प्रत्येक संगठन को सुनना, जनता की राय क्या है, उस राय को वो कंक्लूड करके कैबिनेट में लाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आएगा, उसके बाद में सारी चीज़ें तय हो पाएगी कितने परसेंट तक बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। ये निश्चित रूप से हम सब के लिए चिंता की बात है कि पिछले 5-10 साल में जिस प्रकार से बिजली कंपनियों का घाटा बढ़ा है, उसके लिए दोषी क्या है, दोषी कौन नहीं है, वो एक अलग इशू है। लेकिन प्राइम एफएससी पिछले जितने वर्षों में जिस प्रकार के घटनाक्रम घटे हैं, उसके कारण से बिजली हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना है। अब उसका भरपाई कैसे हो, कैसे रेगुलराइज स्थिति में है, कैसे चीज़ें ठीक हो, किस प्रकार से व्यवस्थाएं ठीक हो, सवाल इस घाटे का है। हर साल करीब करीब 16,000 करोड़ रुपए का घाटा हो जाता है, किस्तों में जुड़ जाता है। सवाल इसी बात का है कि दो किस्तें तो आपके खाते में भी जुड़ी है, सरकार जिम्मेदार है कि नहीं? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना आपको कि अब अगर मैं उस बात को वापस गिरिराज जी के पास ले जाऊंगा तो गिरिराज जी तुरंत कहेंगे कि 2 साल हो गए आपको करते हुए। भाई साहब, 5-10 साल में जिस प्रकार से आपने दुर्गति की इस डिपार्टमेंट की, उसके बाद इसको पटरी पे लाने पे मैं तो केवल एक चीज इसमें ठीक कह सकता हूँ कि हमारी सरकार आने के बाद से जो गांव में शहरों में जो बिजली लोगों को मिलने लगी है, उस दिशा में हमने अच्छा काम किया है। ये अलग बात है कि ये सारी व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए, घाटों को ठीक करने के लिए सरकार ने बहुत सारे ठोस कदम उठाने का प्रयास किया है। जो कर्जा है वो भी सरकार ने अपने माथे लिया कि चलिए हम इसमें कुछ न कुछ करते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए हमको कहीं न कहीं इस सारे मुद्दे पे कंक्लूजन पे जाना होगा। अब उसका रास्ता क्या होगा, चलिए सुझाव मैं गिरिराज जी से पूछ लेता हूँ। गिरिराज जी, 5 साल कांग्रेस ने विराज किया और उस दौर में भी ऐसा नहीं कि घाटा नहीं हुआ, घाटे की शुरुआत का दौर तो पहले से जारी है, लेकिन 5 साल आपने भी कुछ नहीं किया, सवाल तो आपसे भी बनता है। देखिए, निश्चित रूप से सरकार हमारी 5 साल रही, लेकिन हमने जनता से जो वादा किया था 5 साल के अंदर, किसान को एक नया पैसा बिजली की दर बढ़ा के नहीं लिया गया, हमने हमारा वादा पूरा किया। इन्होंने आने के बाद 2 साल में लगभग 25% राशि तो ये पहले बढ़ा चुके हैं, उसके बावजूद घाटा कम नहीं हो रहा है। पिछले 5 साल में 57% बिजली की दरें बढ़ी है, 5 साल में बढ़ी है, लेकिन उसके हमने तो जो वादा किया था, एक पैसा नहीं बढ़ा। मुकेश जी सुनो यार, आपकी बात मैंने सुनी है, आप गलत तथ्य मत रखो, आपको भी डिस्टर्ब कर सकता हूँ अगर आप डिबेट में बैठे हो तो। नहीं, आप ये मत करो, मैं कह रहा हूँ गलत तथ्य मत रखो ना, पेशेंस रखो। आप गलत बोले, मैंने सुना आपका, आप गलत बोल रहे हो कि हमने एक पैसा नहीं बढ़ाया, डिबेट में बैठने का डिस्टर्ब करने का, आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे, एक पैसा नहीं, गलत कैसे बोल, आपने सरासर झूठ बोला है, लेकिन मैंने पेशेंस रखा, मैंने बर्दाश्त किया, आप अपने विचार रखे। चलो हरीशचंद्र जी, आप बताइए, कोई बात नहीं, हम तो झूठ बिगाड़ो मत इस तरह से, नहीं फिर आप बोलोगे जब मैं बोलूंगा, इस तरह से मत करो। आपने अपने विचार रखे, मैंने सुना बिल्कुल, अब मैं बोल रहा हूँ, आप सुना, आप जवाब देना ना, आप बीच में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, आप जवाब देना आराम से। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए गिरिराज जी बताइए क्या गलत बोला मुकेश जी ने, और आपको क्या लगता है कि आप, आपका राज का ये कहा कि पिछले सरकारों का दोष है, सरकारें पिछले सरकारों का दोष है, तो सरकार 5 साल पहले इनकी भी थी, 5 साल हमारी सरकार रही, हमने जनता से वादा किया था, उस वादे को हमने निभाया और हमने कोशिश की, लेकिन जनता के ऊपर भार नहीं डाला। इन्होंने 2 साल के अंदर लगभग 25% राशि बढ़ाने के बाद ये घाटा कम नहीं कर पाए और लगातार घाटा बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार इस कदर हो गया है कि
तीनों चारों कंपनियां जो है वो लगातार इनका प्रशासन के ऊपर, कंपनियों के ऊपर सरकार का कंट्रोल ही नहीं है, और ये खाली सुनवाई का एक नाटक कर रहे हैं, और उस नाटक के आधार के ऊपर ये कह रहे हैं 10% से 15% राशि और बढ़ाएंगे। इसका मतलब सरकार जब इनकी जाएगी उस समय तक ये उपभोक्ता के ऊपर करीब 70-80% राशि बढ़ा के जाएंगे, उसके बाद भी घाटा कम नहीं होगा। इनकी नीयत साफ नहीं है, असल में ये उपभोक्ता के ऊपर सब कुछ डालना चाहते हैं, ये उपभोक्ता के ऊपर सब कुछ डालना चाहते हैं, इसलिए क्या है कि ये कंपनियों पे कंट्रोल नहीं करना चाहते, भ्रष्टाचार नहीं। गिराजी, 24 घंटे पहले की तस्वीर पर जाना चाहता हूँ, जब जयपुर में जनसुनवाई का कार्यक्रम था, उस दौरान लोगों ने अपनी बात रखी, पीएन वंदोला साहब आप भी उस जनसुनवाई के दौरान मौजूद थे, क्या सूरत हाल थे, क्या लोगों का तथ्य था और उस पर क्या जवाब आए बिजली कंपनियों की ओर से? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जानबूझ करके देश, हमारे प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, और जो सही तस्वीर है उसको रखना नहीं चाहते हैं। जब विद्युत मंडलों का विघटन किया गया था तो 95 अरब रुपया भारत सरकार ने इनका माफ़ किया और कहा कि कंपनी बनाएंगे तो बहुत बेहतर ढंग से प्रशासनिक ढांचा चलेगा, परंतु ये जो विद्युत अधिनियम 2003 जब बना, 2003 में इसके अंदर खामियां छोड़ दी गई। आज पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते हैं आयोग के अंदर, आयोग के सामने जब हमने कल ये परसों में बात रखी कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट कंपनियों ने किए, कर्जा लेकर के किया, और उसका जो आउटकम आना चाहिए था उसकी असेसमेंट रिपोर्ट कहीं नहीं आती है। हमने जब ये कहा कि आपने 5,000 करोड़ रुपया फीडर इनोवेशन प्रोग्राम पर खर्च किया तो उससे क्या लाभ हुआ, आपको राजस्थान की जनता को बताना चाहिए। आपने ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चलाई राजीव गांधी के नाम से, उससे क्या लाभ हुआ, आपको उसका असेसमेंट रिपोर्ट बतानी चाहिए। आपने ट्रांसफार्मर खरीदे उसकी रिपोर्ट बतानी चाहिए, आपने मीटर खरीदे उसकी रिपोर्ट बतानी चाहिए। जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट किए वो कर्जे लेकर के किए, क्या उसका आउटकम आया? तो आयोग कहता है मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि आयोग भी बैकआउट हो गया, क्योंकि आयोग में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, वो अगर सरकार को निर्देश देते हैं तो सरकार कटघरे में खड़ी आती है। जैसे सीएजी जब एक रिपोर्ट देता है तो पूरी भारत सरकार कटघरे में आई है, और देश की जनता को मालूम हुआ कि कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है। आज अगर हमने स्पेशल ऑडिट की डिमांड कर रखी है कि 2000 से लेकर के आज तक स्पेशल ऑडिट नहीं करवाना चाहते हैं। 2000 ही क्यों, 2000 से माना जाए कि ये घाटा ज्यादा, 1,01,00,000 रुपए का घोटाला कंपनियों ने और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के किया है। जब गलत ट्रांसफार्मर खरीदे गए तो उसकी जिम्मेदारी मंत्री महोदय की है, उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की बनती है। जब गलत मीटर खरीदे गए तो मुख्यमंत्री और विधानसभा की जिम्मेदारी बनती है। विधानसभा में हमारे माननीय सदस्य कोई भी डिबेट के लिए तैयार ही नहीं है। बिजली उद्योग की समस्या पे जैसे अभी आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि विभागों के ऊपर बकाया है, पुलिस पर बकाया है, जलदाय विभाग पर बकाया, क्यों है बकाया, आप उसका पेमेंट क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्या राजस्थान सरकार के पास पैसा नहीं, जानबूझ करके पेमेंट नहीं करना चाहते हैं? आपने स्कीम लिया दिया उसके बाद ताकि नया कर्ज लिया जा सके, ताकि नया कर्ज लिया जा सके 13% से 18% कर्जा लिया गया। हमने ये कहा कि जो आप कर्जा ले रहे हैं उस कर्जे की आप भरपाई कैसे करोगे, उसका रोड मैप तो बताओ आप। आयोग बताने के लिए तैयार नहीं, अफसर बताने के लिए तैयार नहीं। हमने सूचना की एप्लीकेशन लगाई, जवाब नहीं देते हैं। हमने आयोग के सामने रखा, उल्टा सीधा जवाब सबमिट कर दिया। डीपी चिरानिया साहब, मैं मेंदोला साहब आऊंगा फिर से आपके पास में, आपसे जानना चाहता हूँ कुर्सी के इधर की तस्वीर तो मेंदोला साहब ने बताई, लेकिन उधर की तस्वीर क्या है? महकमे में आपने काम किया, आप समझते हैं बेहतर तरीके से। देखिए, अभी आपने दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को बैठाया और वह एक दूसरे के ऊपर ऐसे जैसे सड़क के ऊपर कुछ लड़ते हुए देखते हैं ना, और हर मैं कई दफ़ा आपके यहाँ भी आया और जगह भी आया, यही देखा कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियाँ आती है लड़ती है, जबकि ये दोनों जिम्मेदार हैं। मेरे पास में 2000 से जब से कंपनियाँ बनी हैं उनके पूरे आंकड़े हैं, और उस आंकड़ों के अंदर 2005-06 से ये बढ़ना शुरू हुआ घाटा। मतलब जब से कंपनी राज आया है बिजली महकमे में तो उसके 5 साल बाद से सूरतें बदली, उसे सूरत बदली, और सूरत बदलने का कारण कुछ पर्टिकुलर लोग बाग हैं जो कि बीजेपी की गोद में भी बैठे रहे और कांग्रेस की गोद में भी बैठे रहे और आज बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं। उनका बिजनेस इंटरेस्ट है, उनकी ट्रांसफार्मर की इंडस्ट्रीज है, उनकी पावर परचेज के अंदर भागीदारी है जी।
और वह जो आप कह रहे हैं ना कि 20 क्या बीजेपी कांग्रेस दोनों सरकारों को इस बात का इल्म नहीं था कि उनकी सरकार के अंदर जिन लोगों को जिम्मेदारी दी है उनकी पार्टी आस्तीन के साथ है, भ्रष्टाचार में पांती है, दे आर द पार्टनर, उनको सब चीज पता है, ऐसी चीज कोई भी नहीं जो उनको पता नहीं है, उनको कोई बेवकूफ बना के कोई काम नहीं कर रहा है, उनको हिस्सेदारी दे के काम हो रहा है और ये हिस्सेदारी के पूरे डेटा और इनको पहले एक दफा ने कई दफा बता चुका ही हूँ मैंने, इनके जो पहले जो थे अभी मिनिस्टर एनर्जी मिनिस्टर और सीएम उनको मैंने मेल करके ये पूरे डेटा दिए हैं कि ये आदमी जिसको आप ला रहे हो उसके ने क्या क्या कृत्य किए, क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है सरकारों की कि फिर तमाम शिकायतों के बावजूद उन्हीं अधिकारियों को उन्हीं लोगों को रिपीट किया जाता है जो जिम्मेदार है। जब भागीदारी होगी व्यापार, इनके व्यापार है, ये जो राजनीतिक पार्टियां को यहाँ रूल करने के लिए और सोशल सर्विस करने के लिए नहीं है, ये इनका व्यापार है। मतलब मैं आगे जब डिबेट को बढ़ाऊं तो इस दिशा में बात कर सकता हूं कि किस पार्टी ने घाटा कम करने का क्या प्रयास किया, अगर नहीं किया तो फिर जवाब क्या है, किसी ब्रेक लेंगे बिल्कुल चिरानी साहब ब्रेक लेके लौटेंगे तो इसी मुद्दे पर बात करना चाहेंगे, आखिर बिजली कंपनियों का घाटा सिर्फ कंपनियों तक नहीं जुड़ा, ये आपकी जेब का भी सवाल है, हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों बाद आपकी जेब पर इसका असर देखने को मिले। कि बिजली की जो घाटा जा रहा है, बिजली कंपनियों को जो घाटा जा रहा है वो बिजली कंपनियों के अधिकारी कर्मचारियों की वजह से ही जा रहा है। इसका पहला रीजन तो ये है कि जहां बिजली चोरी हो रही है उन बिजली चोरियों को नहीं पकड़ा जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े उनमें जो फैक्ट्रियां हैं उनमें बिजली कंपनी के जो कर्मचारी हैं अभियंता हैं उनकी मिलीभगत से ही बिजली चोरी हो रही है। अधिकारी और उपभोक्ताओं की मिलीभगत होने के कारण आपस में कंप्रोमाइज कर लेते ले देंगे और मतलब घाटा जा रहा है, इनकी आपस की मिलीभगत है, उपभोक्ताओं पर लोड डालना गलत है।